जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अपने एप्लीकेशन के अंदर एज ए क्लॉक सिस्टम का यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको एज ए यूज़र की जो डिवाइस का क्लॉक है उसके साथ ही आपको एज ए ऑनलाइन क्लॉक के साथ भी एज ए कंपेयर करके देखना है कि दोनों एज ए सेम है कि नहीं। तो उसके लिए हमने एक नया एक प्रोजेक्ट बना लिया है एक एक्सटेंशन का यूज़ करते हुए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना लिया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को हमारी जो एप्लीकेशन है वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑनलाइन क्लॉक टाइम करके हमने एक एप्लीकेशन बना लिया है। तो उसमें आपको दो हमने ऐसे कार्ड व्यू का यूज़ किया है। एक में हमारा जो हमारा ऑनलाइन की जो करेंट टाइम है वो डेट वहाँ पर शो होगा, उसके साथ हमारा डिवाइस का जो करेंट डेट और टाइम यहाँ पे शो होगा। तो अगर हमारा ऑनलाइन क्लॉक के साथ एज ए डिवाइस का जो भी टाइम और डेट अगर मैच नहीं होता है तो उसमें आप एज ए कोई भी टास्क करा सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे हमने दो कार्ड व्यू का यूज़ किया है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें ऊपर में ऑनलाइन क्लॉक जो भी हमारा ऑनलाइन टाइम है और डेट यहाँ पे शो कर रहा है, उसके साथ ही हमारा डिवाइस का जो करेंट टाइम एंड डेट यहाँ पे शो कर रहा है। तो उसमें हमें एज ए कंपेयर करेगा स्क्रीन इनिशियलाइजिंग में हो और बटन क्लिक पे हो, आप एज ए देख सकते हैं कि दोनों क्लॉक का टाइम एज ए सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो उसके लिए भी आप कोई एज ए इवेंट वैल्यू आप सेट कर सकते हैं, और अगर सेम नहीं है तो उसके लिए भी आप कोई भी टास्क सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी हमारा डिवाइस का सेटिंग में जाके हमारा जो भी करेंट डेट है उसको मैं ऑटोमेटिक को एज ए फॉल्स करके एज ए कोई भी मैं यहाँ पे डेट को चेंज कर देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे ईयर को 2019 में यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। और दोबारा अगर हमारे एप्लीकेशन में जाएंगे तो यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली अपडेट होगा और यहाँ पे हमें शो कर देगा कि जो हमारा डेट है वो एज ए फॉल्स है। जैसे कि यहाँ पे ऑनलाइन टाइम के अंदर जो भी आज का करेंट डेट है वही शो करेगा और हमारा डिवाइस का डेट यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारा ये क्लॉक अपडेट करने का ये नोटिफाई हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ये क्लॉक अपडेट नाउ यहाँ पे शो कर रहा है। तो अगर हम दोबारा अगर हमारी डिवाइस की जो करेंट टाइम है उसको हम एज ए ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा जो रियल टाइम है यहाँ पे सेट हो चुका है डेट ऑन टाइम। और दोबारा हमारे एप्लीकेशन में अगर जाएंगे तो ये दोबारा अपडेट करेगा ऑनलाइन टाइम के साथ मैच करके, अगर ये सेम होगा तो यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट यहाँ में हमने सेट किया हुआ है। तो उस तरीके से आप अगर टाइम को भी एज ए अगर सेंस कर देते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये नोटिफिकेशन शो कर देगा कि आपका अगर टाइम अगर आपने अगर गलत सेट कर दिया तो उसमें भी आप यहाँ पर आपका जो भी शो कर देगा कि आपका जो डिवाइस टाइम है वो ऑनलाइन टाइम से मैच नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ें आप अपनी एप्लीकेशन में बहुत ही बढ़िया तरीके से लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक बहुत ही कमाल का एक्सटेंशन हमने बना लिया है जिसका यूज़ करके आप ऑनलाइन क्लॉक को चेक कर सकते हैं कि अपनी डिवाइस के साथ वो मैच होता है कि नहीं। तो जैसे कि यहाँ पे हमने सारा कुछ दोबारा रिसेट कर दिया तो यहाँ पे हमारा ऑनलाइन टाइम और डिवाइस टाइम दोनों सेम यहाँ पे शो कर रहा है। तो उसके लिए हमने मेकायोट के अंदर यहाँ पे एक प्रोजेक्ट हमने क्रिएट कर लिया। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेआउट के अंदर हमने दो कार्ड व्यू हमने यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया, हमारा ऑनलाइन जो हमारा क्लॉक है वो शो करने के लिए और हमारा डिवाइस का क्लॉक शो करने के लिए। तो यहाँ पे हमने जो हमारा एक्सटेंशन हमने बनाया है ऑनलाइन क्लॉक चेकर, तो ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हमने अलग अलग चार लेवल हमने ले लिया है कि ऑनलाइन डेट एंड टाइम शो करने के लिए और हमारा डिवाइस डेट एंड टाइम शो करने के लिए। तो इसको हमने ऐसे रीनेम कर दिया है ऑनलाइन डेट शो एंड हमारा डिवाइस डेट शो। तो उस तरीके से हमने यहाँ पे स्क्रीन इनिशियलाइजिंग में सेट कर दिया कि ऑनलाइन टाइम शो का जो भी हमारा लेवल है उन सारा लेवल को एज ए स्क्रीन इनिशियलाइजिंग में हमने इसको एज ए ब्लैंक यहाँ पे सेट कर दिया है। और जैसे ही हमारा स्क्रीन इनिशियलाइजिंग होगा तो यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे कॉल कर दिया है। उसके साथ ही हमने ऑनलाइन क्लॉक चेकर का एक कॉम्पोनेंट है यहाँ पर हमने उसको यहाँ पर कॉल कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक्सटेंशन के अंदर काफ़ी सारा कंपोनेंट देखने को मिल जाएगा, तो उसमें से आप ऑनलाइन क्लॉक चेकर की कंपोनेंट को स्क्रीन इनिशियलाइजिंग में सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एज ए वो कंपेयर करेगा ऑनलाइन की जो क्लॉक है उसके साथ हमारा डिवाइस का क्लॉक एज ए मैच होता है कि नहीं। तो वो चीज़ें हमें एज ए बटन क्लिक के अंदर भी रिफ्रेश के अंदर भी हमने सेट कर दिया, और उसके साथ ही हमने ऐप रीयूज में भी उसको सेट कर दिया। जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेशन को एज ए मिनिमाइज करके अगर दोबारा ओपन करेगा उसमें भी हमारा वो चीज़ें रिफ्रेश होने के लिए हमने ऐप रीयूज का ये ब्लॉक के अंदर भी उसको हमने एज ए कॉल कर दिया है। तो ये तीन चीज़ों के अंदर हमने इसको कॉल कर दिया कि स्क्रीन इनिशियलाइजिंग में बटन क्लिक पे और हमारा ऐप जैसे ही रीयूज होगा क्लोज करने के बाद उसमें भी हमारा ये अपडेट होगा। तो अभी जैसे ही अगर वो टाइम येच होगा, अगर हमारा डिवाइस टाइम एज ए हमारा ऑनलाइन क्लॉक के जो टाइम के साथ अगर मैच होता है तो यहाँ पे हमारा जो भी टाइम यहाँ पे शो करना चाहिए, तो उसके बाद हमारा चेक होगा दोबारा हमारा ऑनलाइन डेट एज ए हमारा डिवाइस की डेट के साथ मैच है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें दो ब्लॉक मिल जाता है, ऑनलाइन क्लॉक चेकर एंड ऑनलाइन डेट चेकर।
तो वो दो कंपोनेंट आप अलग अलग करके सेट कर सकते हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ पे स्क्रीन इनिशियलाइजिंग में बटन क्लिक पे और ऐप रीयूज में ऑनलाइन क्लॉक सेकर का कंपोनेंट हमने यहाँ पे लगा दिया है। और जैसे ही अगर लगता है कि हमारा डिवाइस का टाइम और ऑनलाइन टाइम के साथ मैच होता है तो यहाँ पे हमने जो दो लेवल हमने लिया था उसके अंदर हमने वो सारा चीज़ें यहाँ पे शो कर दिया है। तो उसके लिए अब यहाँ पे हमने एज ए ब्लॉक रखा है कि ऑनलाइन का जो भी डेट और टाइम यहाँ पे आप किसी भी लेवल में शो करा सकते हैं, उसके साथ ही आप डिवाइस का डेट एंड टाइम भी आप किसी भी लेवल में शो करा सकते हैं। तो उसके साथ जो हमारा नेक्स्ट ब्लॉक हमने यहाँ पे लगा दिया है ऑनलाइन डेट सेकर, तो उसमें भी अगर हम यहाँ पे सेट कर दिया है कि दोबारा, और एक हमारे यहाँ पे ब्लॉक है कि टाइम अगर फॉल्स होगा तो अगर हमारा डिवाइस का टाइम और अगर ऑनलाइन टाइम के साथ मैच नहीं होगा तो उसके लिए यहाँ पे हमने नोटिफाई सेट कर दिया है कि क्लॉक अपडेट नाउ, और इसमें भी हमारा जो भी टाइम और डेट है वो यहाँ पे शो होना चाहिए। तो अगर जैसे कि हमने यहाँ पे अगर ये ट्रू होगा तो इसमें लिए हमने दोबारा यहाँ पे कॉल कर दिया कि ऑनलाइन डेट सेकर। तो यहाँ पे जैसे ही ऑनलाइन डेट सेकर अगर हमारे डिवाइस की जो भी करेंट डेट होगा उसके साथ अगर ऑनलाइन डेट यहाँ पे मैच होगा तो यहाँ पे हमें नोटिफाई शो करने के लिए हमने एक रेसेट हमने सेट कर दिया है कि तो अगर हमारा डिवाइस का डेट और ऑनलाइन डेट के साथ मैच होगा तो यहाँ पे हमें जो हमने नोटिफिकेशन क्रिएट कर दिया कि सक्सेसफुली कंप्लीट, और यहाँ पे हमने जो भी डेट एंड टाइम है वो यहाँ पे शो होना चाहिए। तो ठीक उसी तरीके से अगर हमारा डिवाइस का जो भी करेंट डेट होगा वो अगर ऑनलाइन के साथ मैच नहीं हो रहा है तो उसमें लिए हमने जो नोटिफिकेशन सेट कर दिया है क्लॉक अपडेट नाउ। तो इस एक्सटेंशन के अंदर आप ऑनलाइन क्लॉक को बढ़िया तरीके से चेक कर सकते हैं अपने जो भी यूज़र की डिवाइस की टाइम के साथ वो मैच होता है कि नहीं। तो इसका यूज़ आप ऐसे अगर अपनी एप्लीकेशन में कोई काउंटडाउन सिस्टम आप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए अगर कोई भी यूज़र इसको एज ए क्रैक नहीं कर पाए तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि जैसे इसकी इनिशियलाइजिंग हो तो उसमें आपका डिवाइस का टाइम ऑनलाइन टाइम के साथ मैच होगा, तभी आपका जो भी एप्लीकेशन की बाकी सारी चीज़ें हैं वो ओपन होगा। तो ये चीज़ें आप अपने एप्लीकेशन के अंदर इसकी इनिशियलाइजिंग में सेट कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लॉक चेकर की ये जो हमने एक्सटेंशन बनाया है उसका डाउनलोड लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको इसका जो AI फाइल है वो भी दे दिया जाएगा। तो इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल है तो हमारे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और इसके साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।